हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने किन देशों के जो कि लोगों को अतिथि के रूप में किन्हें इनवाइट किया है, कौन आ रहा है यहाँ पे भारत में, उनके जो कि जो शपथ समारोह में कौन शामिल होंगे। तो जो यहाँ पे देखिए, हम जो बात करने वाले हैं वो बिम्सटेक जो के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बिम्सटेक क्या है और बिम्सटेक की स्थापना कब हुई थी और बिम्सटेक का मुख्यालय कहां पर है और कितने सदस्य देश इसमें शामिल है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आगामी जो परीक्षा है उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में, अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप उसको सोल्व करके आएंगे। इसीलिए हम आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसको मैं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। एंड ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिम्सटेक के बारे में हम जान लेते हैं, क्या बिम्सटेक क्या होता है। तो यहाँ पर चलिए हम फर्स्ट में इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिम्सटेक का जिसका पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है। तो यहाँ पर देखिए, बिम्सटेक है इसका हिंदी नाम जो है, जिसका जो पूरा रूप है वो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में इसकी जो फुल फॉर्म जो देख लेते हैं बिम्सटेक का हम, तो फुल फॉर्म जो फर्स्ट में होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो इसका जो मीनिंग निकल के आएगा, फुल फॉर्म निकल के आएगा, तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बिम्सटेक का जो कि फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जिसका हिंदी में अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है, और इंग्लिश में देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका जो कि फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। तो ये जो कि बिम्सटेक है, ये बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती या समीपी जो देश है बंगाल की खाड़ी के, उनका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें नवंबर 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका और थाईलैंड, भूटान और नेपाल सदस्य थे। तो बर्मा, यहाँ पे बर्मा जो है म्यांमार इसको बोला जाता है। तो ये जो दो, जैसा कि आपको 7 जो सदस्य देश दिख रहे हैं, ये बिल्कुल आपके जो कि इसमें सदस्य हैं। तो इनमें जो कि नवंबर 2016 में ये सदस्य थे। तो यहाँ पर आपको ये इतना याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कितने जो कि सदस्य देश इसमें शामिल है बिम्सटेक में। तो यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार जिसको बर्मा बोला जाता है, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, 7 देश इसके सदस्य हैं। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। तो पाकिस्तान भी इसका जो समीप जो वर्ती देश है, बट इसका जो सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आप ये याद रखना है आपको, यहाँ पर आपको लोगो भी दिखाई दे रहा है बिम्सटेक का। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम आईएमपी जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, बिम्सटेक की स्थापना कब हुई थी। बिम्सटेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। जी हाँ, 6 जून 1997 को बिम्सटेक की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बिम्सटेक में कितने देश शामिल है। तो बिम्सटेक में जो कि आपके अभी आपको जो कि बताया है कि 7 देश इसमें शामिल है। ओके, तो 7, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। बिम्सटेक जो है, बिम्सटेक में कितने देश शामिल है, तो 7 देश इसमें शामिल है, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 7 देश है इसके सदस्य है, ओके, इसमें शामिल है जो कि बिम्सटेक में। तो यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं कि यदि आपको ट्रिक से याद इसको रखना है, तो यहाँ पर देखिए बिम्सटेक है, इसमें से लास्ट में से 2 जो लेटर हटा दीजिए, ई और सी हटा दीजिए, तो जैसे कि आपको बी से हो जाएगा बांग्लादेश और भूटान, एम से हो जाएगा आपका म्यांमार, एस से हो जाएगा श्रीलंका, टी से हो जाएगा आपका ओके। तो और उसके बाद में जो टी है, इससे आपको ये याद
जो थाईलैंड है ये याद रखना है, और ईसी आपको हटा देना है, और नेपाल आपको सेपरेट अलग से याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए नेपाल को अलग से याद रख लीजिए और बाकी ईसी हटा दीजिए, तो आपके ये याद हो जाएंगे। आपको कुछ भी इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजिली आप याद कर सकते हैं इनको कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। बी से हो जाएगा बांग्लादेश और भूटान, एम से हो जाएगा म्यांमार, एस से हो जाएगा श्रीलंका, टी से हो जाएगा थाईलैंड, ओके। और आपका एक और बचा वो नेपाल, तो नेपाल आपको सेपरेट अलग से याद रखना है। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो कोलंबो श्रीलंका, बांग्लादेश ढाका, दिल्ली भारत, काठमांडू नेपाल। तो बिम्स्टेक जो है इसका जो सचिवालय है वो ढाका बांग्लादेश में स्थित, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो जैसा कि आपको बता चुके हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तो यहाँ पे ये जो है इसका फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बिम्स्टेक का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बैंकॉक, न्यू दिल्ली, काठमांडू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था बिम्स्टेक का वो बैंकॉक में हुआ था, ओके। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 6 अगस्त 2018 में बिम्स्टेक का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो बिम्स्टेक का जो सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया था 18 अगस्त 2018 में, वो किया गया था आपका काठमांडू में। जी हाँ, काठमांडू नेपाल में ये आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर मुकर दें। बिम्स्टेक का अगला सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? मोस्ट IMP क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्योंकि आपका जब ये पूछा जाता है तो आपके एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ओके। तो यहाँ पर आपको ये 100% इसको याद रखना है आपको, बिम्स्टेक का अगला सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है। तो यहाँ पर देखिए चेन्नई, श्रीलंका, टोक्यो, काठमांडू, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका जो है यहाँ पे आपका जो कि प्रस्तावित है बिम्स्टेक का अगला सम्मेलन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 मई को PM नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में किस देश के नेताओं को आमंत्रित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए बिम्स्टेक, सार्क, G8 और आसियान। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल ही गया है, जैसे कि बिम्स्टेक देशों के जो नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया है 30 मई 2019 को PM नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा बिम्स्टेक, ओके। तो यहाँ पर आप ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है वो है आपका शेख हसीना। जी हाँ, शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। और बांग्लादेश की मुद्रा देखी जाए तो टका, और यहाँ की तो यहाँ पर आप इनको भी याद रख लीजिए, और ढाका यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? भूटान के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? तो यहाँ पे देखिए भूटान के जो प्रधानमंत्री है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा लोते सेरिंग। जी हाँ, लोते सेरिंग जो कि भूटान के प्रधानमंत्री है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? तो म्यांमार के जो राष्ट्रपति है वो है विन मिंट। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विन मिंट जो है म्यांमार के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो है आपकी मैत्रीपाला सिरीसेना। जी हाँ, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है मैत्रीपाला सिरीसेना यहाँ के राष्ट्रपति है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है रानिल विक्रम सिंघे, तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये यहाँ के प्रधानमंत्री है श्रीलंका के, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, ओके। क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, उससे रिलेटेड ही पूछा जाता है, जो भी करंट टॉपिक होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में कौन है? तो यहाँ पर देखिए थाईलैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो है आपका प्रयुत चान ओचा, ओके। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, प्रयुत चान ओचा यहाँ के जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री है थाईलैंड के, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आपका आंसर रहेगा, ओके। और थाईलैंड की जो राजधानी बैंकॉक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो आपके केपी शर्मा ओली। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेपाल का जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली है, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है विद्या देवी भंडारी है। तो यहाँ पर देखिए ओपी केपी ओ केपी ओ शर्मा ओली जो है प्रधानमंत्री, और विद्या देवी भंडारी जो है यहाँ की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, और नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। 15 जो कि 15वां क्वेश्चन है आपका, शुरुआत में इसमें कितने सदस्य देश थे? तो बिम्स्टेक में जो शुरुआत में कितने सदस्य देश थे, तो इसमें जब शुरुआत में 4 सदस्य देश थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर आपका रहेगा। 4 सदस्य देश थे शुरुआत में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, भूटान को कब शामिल किया गया था? तो भूटान को इसमें कब शामिल किया गया था बिम्स्टेक में, तो बिम्स्टेक में जो कि भूटान को शामिल किया गया था 2004 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा। भूटान को जो 2004 में इसमें शामिल किया गया था बिम्स्टेक देशों में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियो चाहते तो कमेंट करके बता दीजिए हमें किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो यहाँ से आपका ये जो बिम्स्टेक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बने थे बिल्कुल हमने आपको कंप्लीट करवा दिए। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो। ओके, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।